एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी पहले से ठीक हूँ। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हुई हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। और आपको जितने भी क्वेश्चन है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ही, और मैं उसका आंसर करूंगी ही। तो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है, बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम, ओव्यूलेशन किट जो आप बताते हो वो काफी एक्सपेंसिव आता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बताइए जो हम घर पे पता लगा सके कि हमें ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है या हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है। तो गाइज, इसी के टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे समझ जाओगे कि आपको ओव्यूलेशन आने वाला है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन डे बोलते हैं, जब हमारा ए अंडा बनता है और अंडा बनके फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। तो ओव्यूलेशन को जब हम ट्रैक करते हैं, किट से काफी आसान होता है कि फैट लाइन आती है, डबल लाइन आती है और उसके बाद में डार्क लाइन हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा ओव्यूलेशन कंफर्म हो गया। लेकिन अगर हमको एक भी रुपए नहीं खर्च करके पता लगाना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी हमको वो सिम्टम देती है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ये ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है। गाइस देखिए, ओव्यूलेशन जो है वो पता लगाने का सिंपल सा तरीका है। ओव्यूलेशन होता कब है पहले ये जानते हैं। ओव्यूलेशन जो है वो हमारे पीरियड्स के 7 डेज के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है। ये धीरे 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 डार्क होता है और उसके बाद में वो 1 डे होता है जिस दिन हमारे जो एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, और उस वक्त में अगर वो सक्सेसफुल फर्टिलाइज हो गया तो फिर वो हमारा बेबी जो है वो रह जाता है, यानी वो जो एग है वो जाके फेलोपियन ट्यूब के द्वारा वो हमारे यूट्रस में के लाइनिंग पर जाके चिपक जाता है। तो ये हम इसको मार्क कब करें, देखिए तरह के वाइट डिस्चार्ज होते हैं। एक होता है जो पीरियड के पहले आता है, पीरियड आने वाला होता है तो शुरू शुरू में हमको पहले वाइट डिस्चार्ज होता है और उसके बाद में फिर हमको पीरियड्स आता है। और एक होता है जब हमको ओव्यूलेशन आने वाला होता है तब हमको वाइट डिस्चार्ज होता है। अब आप समझिएगा, वाइट डिस्चार्ज भी बहुत तरह का होता है। एक होता है दही की तरह वाइट डिस्चार्ज होना, एक होता है क्रीमी वाइट डिस्चार्ज होना, एक होता है कि ऑर्डरलेस डिस्चार्ज, मतलब कोई सुगंध नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई गंध वंध कुछ नहीं होती है उसमें। एक होता है कि बहुत ज्यादा बदबूदार होना, मतलब बहुत ज्यादा गंध आती है उसमें से, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो उस तरह का वाइट डिस्चार्ज हमको होता है। लेकिन अगर आपको ओव्यूलेशन का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो आप हाथ में जब लीजिएगा और इस तरीके से कीजिएगा तो जैसे कि चाशनी होता है बिल्कुल वैसे ही लेयर बनती है, ठीक है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होगा बिल्कुल। ये अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आना पीरियड के बाद चालू हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आपको उस दिन से लेके जब तक आपका वाइट डिस्चार्ज या आपको इस तरह की डिस्चार्ज आती रहती है तब तक आप अपने जो भी पार्टनर है उनके साथ अल्टरनेट डेज पे आप साथ में रहिए तो आप आराम से ट्रैक करोगे। दूसरी चीज है, जब हमारा ओव्यूलेशन डे होता है तो उस वक्त हमको थोड़े सा सेक्स करने का मन, इस तरह का भी आपका मूड होने लगेगा। तीसरी चीज है कि जब आपका वो पीरियड चलता है तो हमको हल्का हल्का क्या होता है ना, यूट्रस के ऊपर में पेन भी होता है। तो आप ये कुछ मार्किंग है जिससे आप समझ सकती हैं कि आपको ओव्यूलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जो पीरियड से पहले आता है वो संकेत देता है कि हमको पीरियड आने वाला है। देखिए, ये जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो हमको संकेत देता है कि हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसको नोटिस करके, इसको मॉडरेट करके उन्होंने कंसीव किया है मेरे नज़र में, जो कि एलोपैथिक गायनोवेदा से उनका लेना देना नहीं है, वो एलोपैथ से हैं। तो आप भी इसको कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती और वाकई में काफ़ी एक्सपेंसिव आता है वो, तो बहुत सी महिलाएं अब नहीं कर सकती। आते हैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स में। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो होते हैं गाइस, ये अनुमान लगाया जाता है कि प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव हो गई है तो आपको ये सारी चीजें आपको होगी, लेकिन कंफर्मेशन तभी होता है जब हम जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, और उसमें जब हमको 2 लाइंस मिल जाती है पिंक लाइन तो वो कंफर्म हो जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुका है। लेकिन अन्यथा आपको जितने भी सिम्टम्स आ जाए वो कंफर्मेशन नहीं माना जाता है, डॉक्टर्स इसको नहीं मानती है। और दूसरा, आप एससीजी टेस्ट करवा लीजिए पैथोलॉजी में जाके, वो अगर कंफर्म कर देता है तो कंफर्म है। अब एससीजी क्या होता है? एससीजी एक हार्मोन होता है जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उन्हीं की बॉडी में ये इंक्रीज करता है, अन्यथा ये नॉर्मल बॉडी में इंक्रीज नहीं करता है। प्रेगनेंसी किट टेस्ट करते हैं उसमें जो डबल लाइन आती है वो एससीजी हार्मोन को इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी में एससीजी हार्मोन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि हमें
कंसीव हो चुका है, और अगर वो नहीं बड़ा होता है तो वो हमको नेगेटिव मिलता है, और अगर हमको कोई भी लाइन नहीं मिल रही है तो दैट मीन्स कि वो किड खराब है। ठीक है, ये चीज भी होती है। वो अब आ जाते हैं सिम्टम्स। देखिए सिम्टम्स तो कहने का मतलब, सबसे पहला जो सिम्टम है वो होता है कि हमको चक्कर आने लगता है, हमको वोमिटिंग आने लगती है, हमारा ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, हमको फीवर आने लगता है, ब्रेस्ट में हल्का पेन होगा आपको, यूट्रस के नीचे पेन होगा आपको। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि हमको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, लेकिन नहीं बोल सकते हैं आपको जब तक कि टेस्ट में आपका रिपोर्ट ना आ जाए। तो ये चीजें हैं। तो जितनी भी महिला ओवुलेशन ट्रैक कर रही हैं उनको नहीं अंदाजा है, तो सिंपल सा बात समझ लीजिए, पीरियड होने के एक हफ्ते के बाद और पीरियड आने से एक हफ्ते पहले, ठीक है, इसके बीच का जो ड्यूरेशन सा होता है वो ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो 15 दिन आपका ओवुलेशन इम्प्लांटेशन का होता है और 15 दिन हमारा पीरियड आने और जाने के इंडिकेशन पे होता है। आप उसको ट्रैक करके आसानी से अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर सकती हैं। और एक चीज मुझे बतानी थी गाइस, गायनोविदा के बारे में। गायनोविदा मेडिसिन के बारे में मैंने भी बहुत सुना और मैं रिव्यूज करती हूँ, बहुत लोग मुझे अच्छा भी बोलते हैं, बहुत लोग मुझे खराब भी बोलते हैं कि आप गलत लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों करती हैं, आपको गायनोविदा पैसा देता है क्या, या गायनोविदा आपसे मतलब आप गायनोविदा का प्रमोशन करती हैं, आप लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि आप गायनोविदा का मेडिसिन यूज करो। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, मुझे कोई पैसा नहीं देता और ना मेरा किसी से कोई लेना देना है यहाँ पे। जिस दिन गायनोविदा का मुझे एक बुराई और एक चीज पता चलेगा तो वो भी मैं यूट्यूब पे बोलने की हिम्मत रखती हूँ। और गायनोविदा मेरा टॉपिक है ही नहीं, मैं लेडीज को हर तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। यूट्रस इन्फेक्शन जो अभी बहुत ज्यादा चला हुआ है उसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो ऐसा नहीं है मैं किसी को प्रमोट नहीं करती, और हाँ मुझे कोई पैसे दे के मुझसे काम नहीं करवा सकता है। एक लेडीज मुझे मतलब मैसेज कर रही है कल मेरा देखने के बाद में वीडियो की, आप गायनोविदा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है। तो भैया मैं किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ी हूँ और ना मेरे को किसी से लेना देना है। अच्छा कर रहे हो, अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, जिस दिन खराब करोगे खराब रिव्यू देंगे। मेरे पास गायनोविदा की बहुत सारी कंप्लेंट्स भी अब धीरे धीरे आ रही है, बहुत सारी महिला मेरी वीडियो देखती है तो मुझे कंप्लेंट्स भी करती है। तो मैंने उनको एक ही बात बोला, भैया मेरे को प्रूफ दे दो आपकी गायनोविदा की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आप मुझे प्रूफ दो, मैं बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि मेरे को ना तो गायनोविदा दे रहा है और ना मुझे किसी से कोई लेना देना है। मैं पब्लिक के लिए हूँ, अगर पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं पब्लिक की तरफ से बोलूंगी। तो इसीलिए अगर कोई भी महिला मेरा ये वीडियो देख रही है और उनको बेनिफिट हुआ है गायनोविदा की मेडिसिन से, तो वो प्लीज मुझे कमेंट करें कि हाँ मुझे बेनिफिट हुआ है और मेरे को पूरी स्टोरी अपनी शेयर करें। एंड जिस महिला को अगर गायनोविदा से बेनिफिट नहीं हुआ है, उन्होंने 6 महीने से ऊपर मेडिसिन कर ली है, साल भर तक की कर ली है, तो भी मुझे वो कमेंट करे, क्योंकि मैं गायनोविदा की टीम से इस बारे में मैंने बात की और मैंने उनको बोला भी है कि ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है मैम। तो डेफिनेटली जब मैंने उनको मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे सिंपल सा बोला कि आप अभी 6 महीने तक मेडिसिन खाइए और जो हो रहा है उसको भूल जाइए। तो वो भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि कैसे भूल जाए भैया, ऐसे भूलने की चीज थोड़ी, हमने भूलने के लिए थोड़ी ना इतनी महंगी मेडिसिन मंगवा के खा रहे हैं। कोई गायनोविदा की मेडिसिन को सस्ती तो आती नहीं है कि 150 रुपए की हम लेके भूल जाए, कैसे भूल जाए, नहीं हो सकता। बहुत सारी महिला तो बेचारी ले भी नहीं पाती है पैसों के अभाव में, हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, इन लॉज सपोर्टिव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो महिलाएं क्या करेगी। तो इसीलिए पैसे भी लग रहे हैं हमारे, हमारा वक्त भी लग रहा है, और हमको अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो यही चीजें हैं, आप लोग उसको ट्रैक करिए गाइस, और जिस भी डॉक्टर को दिखा रही हैं आप दिखाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना डाइट एक्सरसाइज करिए, वो आपके लिए अच्छा है, ये मैं बोल रही हूँ। और बाकी रही बात गायनोविदा की, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मुझे कुछ महिलाएं रिपोर्ट शेयर करती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने इस बार उनके नंबर के साथ मंगवाया कि आप मुझे प्लीज अपना नंबर दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, मैं लोगों तो को ये चीज दिखा सकूँ कि हाँ भैया फायदा हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो भी मुझे आप अपनी स्टोरी बताइए कि आपको फायदा क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, ऐसा मुझे जरूर बताइएगा। अगर कुछ सोल्यूशन निकल सके तो मैं उसका सोल्यूशन निकालने की जरूर कोशिश करूंगी, है ना। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से ही प्यार बांटिए, और हाँ अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, क्या पता किसके मुंह में सरस्वती माँ विराजमान हूँ, तो प्लीज मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, बाय बाय।